हेलो फ्रेंड्स, मैं रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए यह खूबसूरत सा क्रोशिया पे डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप जैकेट्स, स्टॉल, स्काफ, शॉल किसी पर भी डाल सकते हैं और ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके लिए आपको मल्टीपल ऑफ 6 के हिसाब से चेन्स लेने हैं। ये देखिए, हमने ऐसे ये धागा ले लेना है, इसके ऐसे करके हमने एक लूप बना लेनी है और ये हमारी क्रोशिया की हुक है। अब हम चेन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये मल्टीपल ऑफ 6 के हिसाब से हमने 18 चेन्स बना लिए और अब हम 3 एक्स्ट्रा चेन्स और बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। ये हमने 3 एक्स्ट्रा चेन्स बना लिए। हमने 1, 2, 3, ये 3 एक्स्ट्रा चेन्स हैं। ये फोर्थ वाली चेन से अब हम डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसको ऐसे ले लेना है ये देखिए, हमने डबल क्रोशिया करना है ऐसे करके। अब हमने हर चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। ये हम डिजाइन का बेस तैयार कर रहे हैं। अब ये देखिए, हमने बेस बना लिया इसका। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ, हमने अब ये सेकंड कलर का वूल अटैच करेंगे। हमने ये वाले धागे को काटना नहीं है। हमने इसको, ये देखिए, हमने ये सेकंड कलर का वूल लिया, इसको ऐसे इस लूप के अंदर से ऐसे ले लेना है और इसको ऐसे कर देना। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। ये 3 चेन्स बना ली हमने। अब इसको हमने टर्न कर देना है। अब हमने इसी यहाँ पर हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो और ये वाले थ्रेड को हमने ऐसे इस साइड अंदर की तरफ कर देंगे। तो हमने इसको ऐसे ले लिया1, 2 और ये 3। हमने यहां पर 3 बार डबल क्रोशे एक ही चेन में बनाया। अब हम 1, 2, ये 2 को छोड़ के थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसको ऐसे लेकर थर्ड चेन से हमने इसको ऐसे, ये हमने यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया किया। फिर हम नेक्स्ट 2 चेन्स को छोड़ के थर्ड वाली में 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये हमने 5। अब फिर से हमने 2
चेन छोड़ के थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, फिर हम दो छोड़ के पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। और फिर दो चेन्स छोड़कर हम थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमारा ये लास्ट आ गया, यहाँ पर हमने तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है। वन, टू, और ये थ्री। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर अटैच करते जाएं। ये मैंने ऐसे ये ले लिया, इसको हमने ऐसे कर देना और इस धागे को ऐसे ले लेना। अब हमने इसको ऐसे टर्न कर देना। अब हमने कोई चेन नहीं बनानी, अब हमने यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, इसको हमने एक सिंगल बार ऐसे पक्का कर देना। अब हमने यहाँ से हमने यहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया किया था, वहाँ से हमने अब पांच बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखिए, वन, टू, थ्री, फोर, और ये फाइव। ये हमने फाइव डबल क्रोशिया बना लिए। ध्यान से देखिए, यहाँ से हमने ये एक, दो, तीन, चार, पाँच हैं, ये बीच में जो थर्ड वाला है यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया इसको ऐसे बनाना है। ये देखिए, फिर से हमने पांच डबल क्रोशिया, ये बीच के, ये दोनों के बीच में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर से हमने पांच बार डबल क्रोशिया बनाना है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब हम यहाँ पर एक, दो, तीन, ये बीच का तीन है, यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, फिर से हमने इसके मिडल से पांच बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये लास्ट में हमने ये एज स्टिच पे सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, ऐसे ले लिया और इसको हमने, ये हमारा ऐसे जिग जैग सा बनता जाएगा। अब हमने ये देखिए, अब हम बेस कलर से बुनाई करेंगे। हमने थ्रेड को तोड़ा नहीं था, इसको ऐसे लेके अब हम तीन चेन्स बनाएंगे। एक बार हमने तीन चेन्स बना के
यहाँ एज से तीन डबल क्रोशिया करना है, और एक बार हमने स्टार्टिंग से ही कोई भी चेन नहीं स्टार्ट करनी, और हमने इसको ऐसे बनाना है। अब मैं आपको एक बार फिर से बना के बता देती हूँ। अब हमने थ्री चेन्स बनानी है, 1, 2, 3। अब इसको टर्न कर लेंगे और अब हम यहाँ पर एज स्टिच में थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, ये थ्री डबल क्रोशिया हो गए। जो हमने पांच, ये पांच हमारे बने थे, इसमें थर्ड वाले में हमने यहां से थर्ड चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमने इसके मिडल में जहां पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहां पर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच हो गए डबल क्रोशिया। फिर हमने इसके मिडल से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से हमने 5 डबल क्रोशिया, यहां से मिडल से इसके 1 सिंगल क्रोशिया, यहां पर अब हम एज पे आ गए, यहां पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए हमारा ऐसे ही, आपने इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से रिपीट करते जाना है। ऐसे ही इस खूबसूरत पैटर्न को आप बनाएं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।